हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रोशन टीचिंग लर्निंग के माध्यम से। और मैं आपको फाइनली बता दूं कि आज आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 MBBI क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों के लिए बहुत तरीके से बनाता हूँ और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीक़ों से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अभाज गुणनखंड विधि द्वारा 196 और 404 का SCF ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम शानदार तरीके से हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको हल लिखते हैं, ठीक है? क्या सबसे पहले हल, ओके। तो देखो सबसे पहले मैं 404 और क्या बोल रहा है 196, तो 404 का क्या बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? तो 404 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ओके। 404 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। ये 404, 202, ये 101 आ जाएगा, ओके। तो क्या हुआ मेरा 2 का पावर 2 कितना है, 2 है, तो मेरा 2 का पावर 2 हो जाएगा, ओके। और 101 कितना है, 1 है, तो 1 देंगे हम, ठीक है ना? तो 2 का पावर 2 गुने 101 का पावर 1, ओके, ठीक है। अब 96 को कर लेते हैं, लिख देते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 96 का इसी प्रकार कर लेते हैं 48, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, यानी 1 2 3 है और 2 कितना है 5 है, ओके। तो देखो यहाँ लिखते हैं हम 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, ओके। तो यहाँ भाषा कंपेयर करने के लिखना पड़ेगा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का निम्न घात, ओके, क्या निम्न घात, ठीक है। इसका कहने का अर्थ हुआ जो इसमें छोटा क्या है, सो देखो छोटा क्या है 3 और 101, यानी इससे 12 हो गया। और इसमें देखो 2 इसे मिल रहा है, 2 इसे भी मिल रहा है, यानी 2 में 2 है, ठीक है ना? तो 2 में दोनों में तो 2 है, लेकिन इसमें करना क्या, देखो ये 2 मिल रहा है, ये 2 दोनों मिल रहा है, इसमें भी पावर है और इसमें पावर है, यानी 2 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 का पावर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। निम्न घात, इससे निम्न घात ये है ना, इसलिए हम निम्न घात लिखते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर 2 यानी 2 गुने 2 बराबर 4, ठीक है, लिखेंगे। इसलिए 404 और 96 का HCF बराबर 4, ओके। अब क्या बोल रहे हैं HCF निकल गया, आप क्या निकालेंगे हम LCM। तो देखो उभयनिष्ठ अभाज ये आपको मेथड पहला बता रहा हूं, इस मेथड से आप निकालिएगा तो भी हो जाएगा, मेथड 1, ओके, मेथड 1 उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम लिख दो, अधिकतम वाले
पदों का गुणनफल। ओके, इसमें क्या है, देखो इसमें जितना है ना सबको गुना कर दो, क्या कर दे, सबको गुना कर दो। तो देखो दो गुने दो, ओके, और इसमें कर दो, एक मिनट आपको बताता हूं मैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंडों का अधिकतम वाले पदों का गुणनखल। ये दो इसमें भी और ये है, इसमें बड़ा क्या है, दो का पावर पांच है, तो अधिकतम वाले पदों का, तो अधिकतम वाले कितना, दो का पावर पांच है, तो पांच लेंगे हम, यानी दो पांच, दो पांच को होगा एक दो तीन चार पांच, उसके बाद 101 लिखते हैं हम, उसके बाद क्या तीन लिखते हैं हम, ओके, और इस सब को गुना कर दो, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, सोलह दुना बत्तीस, बत्तीस को 100 से गुना कर लो, ओके, बत्तीस को 100 से गुना कर लो, कर लेते हैं हम, यानी 100 को 101 को 32 से, दो एक आन दो, दस दूना 20, ओके, उसके बाद तीन एक आन तीन, दस दिया 30, ये दो, ये तीन, ये दो, ये तीन। अब इस 232 को ये तीन से करेंगे गुना, ठीक है ना, ये तीन से कर लो, तीन दूना छः, तीन तिया नौ, तीन दूना छः, तीन तिया नौ, ये मेरा 96 आया, 96 यानी 9696, मेरा ये LCM हो जाएगा। लिखेंगे हम फिर, इसलिए 404 और 96 का LCM बराबर 96, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और सेकंड मेथड LCM निकालने का मैं बता रहा हूँ, देखो सेकंड मेथड LCM कैसे, देखो LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ओके, बट्टा SCF, ओके, तो पहली संख्या कितना है, देखो यहाँ पर ये मेरा पहली संख्या हो जाएगा, ये यानी दो का पावर दो है, दो दो ना चार, तो दो गुने दो गुने ये क्या है 101, ओके 101 है, तो 101, उसके बाद गुना है तो गुना देंगे हम दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है मेरा, दो का पावर पाँच गुने तीन, यानी दो पाँच और तीन एक, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच गुने तीन, बट्टा क्या बोले HCF, HCF हम निकाले कितना चार, तो चार देंगे यहाँ पर हम, इसको काट दो आप, दो दो ना चार, ये दो कट गया, अब सबको गुना कर दो, 101 गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार गुने तीन, ये आ जाएगा आपका, सबको गुना कीजिएगा तो 9696 हो जाएगा। अब दोनों मेथड में से कोई एक मेथड चूज कर सकते हैं, ओके, देख लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा था ये, ओके, तब तक जय हिंद।